Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Alhamdulillah wahdahu والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اگر مناسب سمجھے تو یہ دروازے بند کر دیں تاکہ وہ باہر سے آواز ڈسٹرب نہ کرے مجھے باہر والے دوست اللہ ایک دوستو आज 19 दिसंबर 1986 हम यहां पिशावर में जुमा की निशिस्त में दावत और तबलीग की निस्बत से जमा हैं और इस मुख्तसर सी मुलाकात में मैं जो आपसे गुफ्तगू करूंगा उसके लिए किताबुल्लाह का वो हिस्सा बुनियाद है जो अभी अभी आपके सामने तिलावत किया गया है। हक तआला का इरशाद है जो कुछ तुम्हें रसूल के कौल व अमल से मिले उसको अपना लो और जिस बात से अल्लाह का रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ, यही ईमान की रूह है कि इताअत रसूल में तुम अपनी जाती सोच को कुर्बान कर दो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हारे लिए रास्ता पसंद किया है वही तुम्हारे लिए खैर का रास्ता है। जो तुम समझते हो वो इतनी खैर का रास्ता नहीं हो सकता जितना कि वो रास्ता खैर का रास्ता है जो तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल ने पसंद फरमाया। जिस बात को तुमने अपने लिए नुकसानदेह समझा वो बात तुम्हारे लिए इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी तुम समझते हो।
बल्कि असल में नुकसानदेह वो बात है जो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए नुकसानदेह समझी। वह एक मेयार कायम कर दिया कुरान करीम ने फर्जंदान इस्लाम के लिए के इताअत रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपने जज्बात और एहसासात की कुर्बानी देनी होगी और जब तक तुम अपने जज्बात की कुर्बानी नहीं दोगे उस वक्त तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हक अदा नहीं हो सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मैंने कोट की है अभी, जिसमें इरशाद होता है तुम में से कोई शख्स ईमान में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवा हो तब अन्य माजी तो भी, जब तक कि उसकी ख्वाहिशात और उसके जज्बात मेरी मंशा के ताबे न हो जाएं, उस वक्त तक तुम में से कोई शख्स ईमान में कामिल नहीं हो सकता। गोया मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में अपने आप को इस हद तक पाबंद बना लेता है कि उसके जज्बात और एहसासात और उसकी ख्वाहिशात अल्लाह और उसके रसूल की मंशा के ताबे हो जाती, तब जाकर वो दुनिया और आखिरत की वाज़ह कामयाबियां हासिल कर सकता है। हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो इस उम्मत में सबसे बेहतर जमात है, सबसे कामयाब तरीन लोग हैं, उनकी सीरत और किरदार में भी जो बात नुमाया नजर आती है वो यही है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात और अपने जज्बात पर अल्लाह और उसके रसूल की मंशा को हाकिम माना। उन्होंने वो नहीं किया जो खुद चाहते थे, उन्होंने वो किया जो अल्लाह और उसके रसूल की मंशा थी। इससे उनके शौक में ऐसी तब्दीली आई कि वो गोया अखलाक नबवी के परतों बन गए, अक्स कामिल बन गए। अल्लामा इब्ने हजर असकलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हलकाए रिसालत का तज्जिया करते हुए एक खूबसूरत तजमीन की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों के हलका में तशरीफ फरमा थे, फरमाने लगे कि अल्लाह ने मेरे दिल में इस दुनिया की तीन चीजों की मोहब्बत डाल दी है, तीन चीजों की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी है। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ये मालूम करने के लिए बेकरार हो गए कि हमारे आका को कौन सी चीजें पसंद हैं कि हम भी उन्हें चाहें। ये तो आप जानते हैं कि चाहने वालों के लिए महबूब की पसंद भी महबूब होती है, मोहब्बत का तकाजा है, जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी हर अदा अच्छी लगती। फरमाया हुब्बी बैलैया मिन दुनियाकुम सलास, तीन चीजों की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है,
طيب والنساء وفي رواية والمرأة الصالحة وجعلت قوة عيني في الصلاة اللہ نے خوشبو کو بھی میرے دل میں محبوب بنا دیا ہے خوشبو بھی بہت پسند ہے اور پھر یہ پسند اتنی بڑی کہ خوشبوئیں حضور کو چاہنے لگیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس ہر وقت مہکتا تھا عطر لگائے بغیر بھی خوشبوئیں ٹپکتی تھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر خوشبوئیں مہکتی تھیں حضور کے جسد اطہر سے کہ جس گلی سے گزر جاتے وہ گلیاں مہکتی ڈھونڈنے والے راستوں کی مہک سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ ابھی اللہ کا محبوب یہاں سے گزرا ہے فرمایا نیک رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے وہ بیوی جو اللہ کے حق بھی ادا کرے اور خامند سے بھی وفا کا ذوق رکھنے والی ہو جس کی جبین میں اللہ کے سجدے تڑپتے ہوں اور جس کے جذبات میں خامند سے وفا کے حرارے ہوں عبادت میں اللہ سے وفا کرے عفت میں خامن سے وفا کرے وہ رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے اور تیسری بات فرمائی نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے دل کا سکون ہے آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا سرور ہے نماز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کا محبوب عابد بن کر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی کبھی یوں لگتا کہ ساری رات عبادت میں گزر جائے گی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے لبوں پر اس کی حمد و تسبیح ہوتی تھی اور عاجزی کا یہ عالم کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا تھا رسول اللہ کی عاجزی اور تواضع پر ہم تو اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا کبھی یوں کھجلی ہو رہی ہے کبھی یوں کھجلی ہو رہی ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دیکھنے والوں کو رحم آیا کرتا تھا رحمت للعالمین کی عاجزی پر قیام اتنا طویل کہ ہم سوچتے شاید پوری رات قیام میں گزر جائے گی رکوع اتنا طویل خیال آتا کہ شاید پوری رات رکوع میں گزر جائے گی پھر سجدہ اتنا طویل گمان ہوتا کہ شاید پوری رات سجدے کے حالت میں گزر جائے گی ایک رات شب بھر آنکھیں برستی رہیں روتے رہے اور قرآن کریم کی یہ آیت بار بار دہراتے رہے ان تو عذبہم فإنہم عبادک ان تو عذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ میرے معبود
अगर तू मेरी उम्मत के गुनाहगारों को सजा देने लगे, उनकी खताओं पर उनकी गिरफ्त कर ले, उनके गुनाहों की सजा देने लगे, तो तुझसे कौन पूछने वाला है, तुझे कौन रोकने वाला है, बंदे जो तेरे हैं। अगर उनको उनकी खताओं पर तू गिरफ्त कर ले तो भी तुझे रोकने वाला कोई नहीं। वइन तग़फिर लहुम, और अगर मेरे आंसू की लाज रखते हुए तू इन्हें माफ कर दे तो भी तुझसे पूछने वाला कोई नहीं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस सूज जाते थे, रो रो कर आंखों पे वरम आ जाया करता था। एक सुबह रिक्कत के साथ सैयदा फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब, आप तो मासूम हैं, आपकी जात से खता और सहव का कोई तसव्वुर भी नहीं, फिर इस कदर आजजी क्यों करते हैं, इस कदर तवाजो क्यों करते हैं, सारी रात रोते रहते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला कूनु अब्दन शकूरा। आयशा, मैं उसका शुक्र क्यों ना अदा करूं जिसने यतीम को सारे नबियों का इमाम बना दिया, उसने अपने लुत्फ अता में कोई कमी की है कि मैं उसके शुक्र में कमी आने दूं। फरमाया, वजुअलत कुर्रत आइनी फिस्सला, नमाज को मेरे आंखों की ठंडक है। फकामा अबू बक्र सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला नो खड़े हुए, वफाउन का बादशाह जब हर तरफ से इनकार हो रहा था, सिद्दीक अकबर ने इकरार किया, वफाउन का बादशाह, जब सारी दुनिया सोशल बाइकॉट कर रही थी रहमत आलम से, सिद्दीक अकबर ने ईसार का मेयार कायम कर दिया। जब पत्थर फेंके जा रहे थे, सिद्दीक अकबर ने सीने पे पत्थर खाए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए फरमाया करते थे, सबके एहसानात का बदला चुका दिया है, लेकिन अबू बकर मेरा वो यार है कि इसके एहसानात का बदला हश्र में अल्लाह अदा करेगा। अरे तकबीर अल्लाह। फकाम अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, अर्ज किया, अल्लाह के महबूब, मुझे भी तीन चीजें बहुत पसंद हैं, मुझे भी तीन चीजें बहुत प्यारी लगती हैं। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने अपने ख्यालात में तीन पसंदीदा चीजें तलाश करना शुरू की कि अबू बकर ने जब हुजूर के बाद अपनी पसंद की तीन चीजें बयान करनी है तो हम भी करें। और फारूक आजम फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि पैगंबर के बाद मेरी पसंद सबसे आला हो, अफजल हो, लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु तआला ने अपने आका के इशारे पर जब तीनों चीजें बयान की हैं तो सहाबा किराम अल्लाह अकबर कहकर मान गए कि पैगंबर के बाद अबू बकर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर बताओ तुम्हें क्या पसंद है। अर्ज किया, अन नज़रु इला वजहिक,
आपके चेहरे की तरफ देखते रहना दुनिया व माफिया से ज्यादा पसंद है। अब इसका मुकाबला कौन करे? नजर इला वजहिक, महबूब के चेहरे में कितनी कशिश होती है ये किसी चाहने वाले का दिल जानता है। फिर जब महबूब हो मोहम्मद अरबी जैसा और चाहने वाला हो सिद्दीक अकबर जैसा। फरमाया नजर इला वजहिक, आपके चेहरे की तरफ देखते रहना मुझे दुनिया व माफिया से ज्यादा पसंद है। और फिर अल्लाह ने भी कैसा करम किया, अबू बकर के जौक की कैसे तस्कीन की अल्लाह ने कि हिजरत के सफर में 3 रातें गार में अपनी गोद में सुलाए बैठे हैं अल्लाह के महबूब को। इब्ने हजरत कलानी लिखते हैं, अबू बकर की गोद में रहमतुल्लिल आलमीन का चेहरा है अनवर, ऐसे लगता था कि अन्नल कुरान युफ्ता फिर रेहल, जैसे रेहल में कुरान का नुस्खा खुला हुआ हो। और सिद्दीक अकबर ने, इस आशिक सादिक ने तन्हा ये नजारे हासिल किए। कभी कभी कैफियत में फारूक आजम सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज किया करते थे, मेरी सारी जिंदगी का जिहाद ले लो, सारी जिंदगी की रियाजत ले लो, सारी जिंदगी की नवाफिल ले लो, सारी जिंदगी के सदके ले लो, सारी जिंदगी की खैरात ले लो, सारी नेकियां ले लो। और हिजरत वाली रात में गार में जो 3 रातें जो तूने अल्लाह के महबूब के साथ गुजारी हैं वो मुझे दे दो। सिद्दीक अकबर फरमाया करते थे, अबू बकर ये तो अल्लाह की तकसीम है, वो जिसे चाहता है नवाजता है। आप कहते हैं, अगर सारी कायनात भी मुझसे सौदा करना चाहे, सारी कायनात कहे कि अबू बकर खूबियां तू ले ले और वो हमें दे दे, तुम्हें हिजरत वाली रात में गार की खलवतों में गुजरी हुई 3 रातों का 1 लम्हा भी किसी को न दूं। नजर इला वजहिक, आपके चेहरे की तरफ देखते रहना दुनिया व माफिया से ज्यादा पसंद है। व इन्फाकु माली आला अमरिक, आपकी मंशा पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना भी बहुत पसंद है। मेरे आका, जब आप चाहें तो घर में सुई भी न रहने दूं, जब आपके दीन को जरूरत है, जरूरत पड़े तो अपने घर के बर्तन भी लुटा दूं, अपना लिबास भी हाजिर कर दूं। वइन्फाकु माली अला अमरिक, आपके हुक्म पर आपकी मंशा पर अपना सब कुछ लुटा देना भी बहुत पसंद है। वअय्यकून बिनती फी बैतिक, और मेरी बेटी का आपकी रफीका हयात बनकर रहना भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे आपका ससुर कहा जाए, आपको मेरा दामाद कहा जाए, ये निस्बतें और किस्मतें भी बहुत पसंद हैं। बाजी तो जीत ली, पहला नंबर तो ले लिया सिद्दीक अकबर ने। फकामा उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फकाल सदक्त या अबा बक व हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास। फारूक आजम ने खड़े होकर कहा, अबू बकर तूने सच कहा। फिर अपने कायद की तरफ देखते हुए अर्ज किया, अल्लाह के महबूब 3 चीजें मुझे भी बहुत प्यारी लगती हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर बयान करो तुम्हें कौन सी 3 चीजें पसंद हैं। फारूक आजम ने अर्ज किया, अल अमर बिल मारूफ والنهي عن المنكر والثوب الخلق
ये आपको औलियाए किराम की निशानियां बता रहा हूं कि औलियाए किराम कैसे होते हैं। फारूक आजम ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब, नेकियों की इशात करना बहुत पसंद है, मारूफात की इशात करना बहुत पसंद है और बुराइयों का खात्मा करना मुझे बहुत पसंद है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर बहुत पसंद है। और तीसरी बात अर्ज की, फटा पुराना लिबास पहनना भी बहुत पसंद है। पिशावर के रोशन जमीरो, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत के नतीजे में जो इंसान तैयार हुए, अभी मेरा अजीज कह रहा था ना अब्दुल बासित सल्लमहू, कि उन्होंने अपने किरदार से इंसानियत का मेयार कायम कर दिया, मेयार कायम कर दिया इंसानियत का, कि जो सुना उस पर अमल करके दिखाया, जो कहा उस पर अमल करके दिखाया। हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फारूक आजम के नाम की जलालत अरब और अजम तक महसूस की जा रही थी, बातिल लरसता था ऐवानों में फारूक का नाम सुनकर, कैसरों किसरों का जनाजा उठ गया था इस जलील उल कदर के किरदार की, जलील उल कदर इनकलाबी इंसान के किरदार की धमक ने बातिल का मुंह काला कर दिया था। खत लिखते हैं, उमर 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 उमर, खत लिखते हैं तो दरिया तामील करते हैं, पैगाम दिया तो हवाओं ने तामील की, पानी का चुल्लू फेंका तो आग बुझ गई, कांपती हुई जमीन पर ठोकर मारी तो जलजला थम गया। अजमत का ये आलम है। और फिर हजरत जैद फरमाते, मैंने उसी उमर के कुर्ते पे 17 पैवंद शुमार किए, 17 टाकियां लगी हुई थीं, इस कंधे से इस कंधे तक 4 टाकियां कपड़े पर चमड़े की लगी हुई थीं। खाली जमीन पर सो जाते थे, खाक से प्यार करते थे। मैंने रात कहा था ना कि सहानी में बुत शिकनी से पहले खुद शिकनी जरूरी है, बुत शिकनी से पहले खुद शिकनी जरूरी है। जब तक आप अपनी जात पर फतह हासिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक कायनात के रुमूज को भी आप नहीं समझ पाएंगे। फकाम उस्मान इब्न अफ्फान रजी अल्लाह तआला, हजरत उस्मान इब्न अफ्फान रजी अल्लाह तआला खड़े हुए, फकाल सदक्त या उमर, अर्ज किया उमर आपने सच कहा है। फिर अपने कायद की तरफ देखते हुए अर्ज किया, वहुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, 3 चीजें मुझे भी बहुत प्यारी लगती हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान की तरफ प्यार की निगाहों से देखा, देखते भी बड़े प्यार की निगाहों से थे अपने उस्मान को। कभी कभी फरमाते थे, उस्मान मेरा वो रजाकार है कि जब ये फर्श पे चलता है तो अल्लाह के फरिश्ते अर्श पर इससे हया करते हैं। बड़े प्यार से देखा उस्मान की तरफ, फरमाया तुम्हें क्या पसंद है उस्मान? उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह के महबूब, इताबुल जीहान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरआन, नारे तकबीर, सामिउल कुरआन, सामिउल कुरआन, तीन चीजें मुझे भी बहुत पसंद हैं, भूखों को खाना खिलाना पसंद है। नादार और कमजोर लोगों को नया लिबास पहनाना पसंद है।
और ये वो खूबियां हैं उस्मान की कि जमाना इस्लाम से पहले भी उस्मान के दस्तरखान पर बेशुमार भूखे खाना खाते थे, तलाश करते थे कोई नादार मिल जाए, कोई गरीबुल हाल मिल जाए कि उसके आंसू अपने दामन में ले लूं और अपनी खुशियां उसके दामन में डाल दूं। इस वजह से उस्मान इब्ने अफ्फान की मकबूलियत का ये आलम था कि जमाना इस्लाम से पहले भी औरतें जब अपने बच्चों को सुलाती थीं, लोरियां देती थीं, तो अपने बच्चों से कहती थी सो जा मेरे लाल, मैं तुझसे इस तरह प्यार करती हूं जैसे कुरैश उस्मान इब्ने अफ्फान से प्यार करते हैं। फरमाया इताअमुल जियान, भूखों को खाना खिलाना पसंद है। यह मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा मेरे अजीज दोस्तों कि आप सुने और मजे ले लें और बस फिर भूल जाएं, मैं इसलिए आपके दिलों में यह सच्चाइयां उतार रहा हूं कि अल्लाह आप में भी ये अखलाकी खूबियां पैदा करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस नेक आदमी से कह दो जो सारी रात इबादत करता है, तस्बीह हाथ में रखता है, हर साल हज पे जाता है, उम्रे भी अदा करता है, जिक्र फिक्र में महव रहता है, लेकिन जो रात को पेट भर कर सो जाए और उसके पड़ोस में कोई इंसान भूखा तड़पता रहे, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस आबिद शब जिंदादार से कह दो कि वो हम में से नहीं, हम उसमें से नहीं। भूखों को खाना खिलाना पसंद है, नादार लोगों को कपड़े पहनाना पसंद है, और डूब कर कुरान की तिलावत करना भी बहुत पसंद है। लाज रखी उस्मान ने, लाज रखी अपनी पसंद की, जब तक जीते रहे फैयाजी का दरिया भी बहता रहा, सखावत का समंदर भी मौजजन रहा, और फिर आखिरी वक्त उस्मान ने कुरान का दामन नहीं छोड़ा, कुरान ने उस्मान को तन्हा नहीं रहने दिया। शुहदा की सफ में सिर्फ उस्मान मुनफरिद मजलूम है कि जिसने कुरान के दामन में आखिरी सांस लिए। 40 दिनों के मुहासरे में जब सबाई एजेंट यहूदी गुंडे जो कहलाते तो अपने आप को इस्लामी थे कि हम जमात इस्लामी हैं, कहलाते तो अपने आप को इस्लामी थे, कुरान भी उनके हाथ में थे, दाढ़ियां भी थीं, लेकिन उस्मान को खाइम कहते थे, उस्मान को अकरबा परवर कहते थे, उस्मान पर इल्जाम तराशियां करते थे। उन सियासी गुंडों ने हजरत उस्मान के घर का मुआसरा किया, 40 दिन तक उस्मान पर आबोदाना बंद रखा, फिर 40 दिनों के बाद उस्मान मजलूम पर यलगार की, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान के पास आते हैं, कहते हैं उस्मान अब आपकी मजलूमियत बर्दाश्त नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हम आपकी हुक्म अदूली भी नहीं कर सकते, आप हमें इजाजत दीजिए कि हम इन गुंडों को ठिकाने लगा दें, ये मुट्ठी भर शर पसंद है, तकरीबकार हैं, इजाजत दीजिए। उस्मान सब कुछ सुनने के बाद फरमाते हैं अली मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मेरी वजह से खून रेजी हो और मदीने की गलियां इंसान के खून से सुर्ख हो जाएं। हजरत अली फरमाते हैं अमीर मोमिनीन कितने दिनों से आपको भूखा रखा गया है, प्यासा रखा गया है। उस्मान फरमाते हैं अली भाई आज तो प्यासा नहीं हूं, आज तो सारे दुख दूर हो गए,
आपके आने से कुछ देर पहले गुनूदगी की कैफियत थी, बेखुदी का आलम था, ख्वाब में रहमतुल आलमीन मुस्कुराते हुए मिले। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान दो रास्ते हैं, उनमें से एक चुन लो। एक रास्ता यह है कि अपने दुश्मनों के लिए बददुआ करो, वो हलाक हो जाएं, जमीन फटेगी और गर्क हो जाएं। और दूसरा रास्ता है सब्र वाला, दूसरा रास्ता है सब्र वाला। पहला रास्ता है जज्बात वाला और दूसरा रास्ता है सब्र वाला। तो अगर सब्र करो, रोजा रखा हुआ है आपने, इफ्तारी हमारे यहां आलम है बरजख में आके करना। हजरत उस्मान ने फरमाया, मैंने अपने आका से कह दिया है, हुजूर मैं दूसरा रास्ता पसंद करता हूं, सब्र करूंगा। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे सब्र के मरहले में कामयाब कर दे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगा लिया। हजरत उस्मान फरमाने लगे, मेरे सीने पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार का हाथ रखा, सारी प्यास दूर हो गई। मैं अब तक दिल की गहराइयों में हुजूर के हाथ की ठंडक महसूस कर रहा हूं। और फरमाने लगे अली, मेरे आका ने फरमा दिया है कि आज इफ्तारी हुजूर के दस्तरखान पे होने वाली है। निजामे कायनात दरहम बरहम हो सकता है, मेरे आका का इशारा गलत नहीं हो सकता। सब्र करूंगा, आप भी सब्र कीजिए। नमाज असर पढ़ी, लिबास बदला, कुरान को सामने खोल कर बैठ गए। बड़ी तख्ती वाला कुरान करीम था, चमड़े के औराक पे लिखा हुआ। कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। पहले पारे की आखिरी आयतें तिलावत हो रही थी कि कातिल दीवार फांद कर अंदर आ गए। हजरत उस्मान के सीने में उन्होंने सलाखें उतारी, दाढ़ी मुबारक को पकड़ कर नोचा, सीने में सलाखें उतारी। घायल होकर हजरत उस्मान के सीने से खून का फव्वारा निकला। कुरान ने अपने वरकू में महफूज कर लिया। कुरान के वरके खून उस्मान से रंगीन हो गए। और फिर जब घायल होकर गिरे तो उस्मान कुरान ही के दामन में जा गिरे। उस्मान ने कुरान को और कुरान ने उस्मान को सीने लगाकर यारी पक्की कर ली ना। हश्र के मैदान में शुहदा जब अल्लाह की अदालत में पेश होंगे, किसी शहीद की शहादत की गवाही रेत के जर्रे देंगे, किसी शहीद की शहादत की गवाही तलवार की धार देगी, किसी शहीद की शहादत की गवाही खंजर देगा, किसी शहीद की शहादत की गवाही खून गरीबान देगा, तीरो कमान देगा। उस्मान वो मजलूम है, इसकी शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा। उस्मान ने जान दे दी लेकिन कुरान का दामन न छोड़ा। इतामुल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरान, तीन चीजें उस्मान ने बयान की। फकाम अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन فقال صدقت يا عثمان, हजरत अली खड़े हुए, फरमाया उस्मान आपने सच कहा है। फिर आपने कायद की तरफ देखते हुए अर्ज किया, وحبب الي من الدنيا ثلاث, अल्लाह के महबूब मुझे भी तीन चीजें बहुत पसंद हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत की निगाहों से अपने प्यारे अली को देखा।
फरमाया अली बयान करो तुम्हें क्या पसंद है। अर्ज किया الخدمت للضعيف والضرب بالسيف والصوم في الصحيف, मेहमान की खिदमत करना भी बहुत पसंद है, राह हक में तलवार चलाना भी बहुत पसंद है, और शदीद गर्मियों में रोजे रखना भी बहुत पसंद है। नारे तकबीर, चमन चमन कली कली, हरी 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 हरी, चमन चमन कली कली, हरी 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 हरी। मेहमान आ जाए मेरे घर में तो जी चाहता है जो कुछ घर में हो दस्तरखान पे रख दूं, मैदान कारजार में जी चाहता है कि कुफर की सफे उलट के रख दूं, और शदीद गर्मी में अल्लाह को राजी करने के लिए रोजे रखकर अपने नफ्स को मगलूब करना भी मेरी चॉइस है और मेरा जौक है। अली के रोजे, खजूर का दाना पानी पीकर सहरी कर ली और फिर नाने जमी से इफ्तारी कर ली, हमारी सहरियां और हमारी इफ्तारियां, अल्लाह अकबर, सहरी इतनी भरपूर के इफ्तारी तक खाने को कुछ जी न चाहे, फिर इफ्तारी इतनी भरपूर के सहरी तक कुछ तलब ही न रहे, अल्लाह कबूल फरमा ले। रमजान तो आता है रूहानियत की तामीर के लिए कि जरा बॉडी क्लोज हो जाए, रूह में ताकत आ जाए। हम रमजान में भी जिस्म को पालते हैं, बॉडी पलती है हमारी। वरना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की इफ्तारी का यह आलम है, इफ्तारी तैयार हो रही है, नाने जमी तैयार हो रहा है, सैयदा फातिमा के हाथ रोटियां बना रहे हैं, इफ्तारी का वक्त करीब आ गया, एक एक रोटी सबके आगे रखी है, बाहर दस्तक हुई, अनबन सभी मुसाफिर हूं, सवाली की आवाज आई, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी रोटी उठाकर अपने बड़े फर्जंद हजरत हसन को देते हुए फरमाया, जाओ लखते जिगर मेरे हिस्से की रोटी सवाली को दे के आ जाओ, मैं पानी पीकर इफ्तारी कर सकता हूं। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रोटी ले ली, अर्ज किया अब्बा हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं अपने हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाऊं। फरमाया सुभान अल्लाह, इसमें इजाजत की कौन सी बात है, शहीद करबला रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुसैन ने भी अपने हिस्से की रोटी उठा के हसन के दामन में डाल ली। तीनों रोटियां लेकर जब हजरत हसन जाने लगे तो सैयदा फातिमा इस मैदान में कैसे पीछे रहती, उन्होंने तो सहाबत के गुर मोहम्मद की गोद में सीखे थे, उन्हीं की तो तालीम और तरबियत थी। फरमाया बेटे मेरे हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाओ, मैं भी मोहम्मद का खून हूं ना, पानी से इफ्तारी कर लूंगी। चारों रोटियां ले जाने लगे हजरत हसन, सैयदना अली की खादिमा हजरत फज्जा खादिमा और कनीज तड़प उठी और अपने हिस्से की रोटी उठाकर भी हसन के दामन में डाल दी। अर्ज किया शहजादे मेरे हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाओ, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सिर्फ अली का घराना ही सखी नहीं होता, अली के गुलाम भी सखी होते हैं। फरमाया तीन चीजें मुझे भी पसंद हैं, मेहमान की खिदमत करना बहुत पसंद है, राय हक में शमशीर चलाना भी बहुत पसंद है, और गर्मी में रोजे रखना भी बहुत पसंद है। इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं फबैनाहुम इज्जा जिब्राइल, ये बातें हो रही थी कि जिब्राइल अमीन आ गए, فقال ارسلنا الله تعالى لما سمع مقالتكم, अल्लाह के महबूब ये मुजाकरा फर्श पे हो रहा था, अल्लाह ने मुझे अर्श से भेजा है कि मैं भी इस मुजाकरे में शामिल हो जाऊं। तीन चीजें अपनी भी बयान करने आया हूं और तीन चीजें अल्लाह की पसंद की भी बयान करने आया हूं।
फरमाया इन कुन तो मिन अहल दुनिया, अगर मैं दुनिया वालों में से होता तो फिर सुनिए तीन चीजें मेरी भी पसंद की हैं। इरशादुल जालीन, गुमकर्दा राहों को सीधे राह पे डालना पसंद है, जिनसे रास्ता खो जाए उन्हें सिराते मुस्तकीम पर लगाना पसंद है। व मुआवनत अहल अयाल मोसरीन, इरशाद जालीन, व मुआवनत अहल अयाल मोसरीन, व हुब्ब लिलगुरबा القانتين। तीन चीजें बहुत पसंद हैं, गुमराहों को राह रास्त पे लगाना और उन गरीबों से दोस्ती करना जिनकी जेब तो खाली हो लेकिन जमीर महफूज हो, कमाले तिश्नगी में भी जिगर का खून पी लें पर किसी के सामने दस्ते दलब दराज न करें। ये उसरत और युसरत अजीज दोस्तों, गुर्बत और सरबत दोनों आजमाइशें। कभी हक ताला जेब भर के इम्तिहान लेते हैं, कभी खाली करके इम्तिहान लेते हैं, कभी सब कुछ दे देते हैं ये देखने के लिए कि ये अकड़ता है, मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र करता है या अकड़ता है। अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं, जेब भर देते हैं और कभी जेब खाली कर लेते हैं ये देखने के लिए कि मुझसे मांगता है या लोगों के दरवाजों पे गदागर बन के जाता है। कामयाब होने वाले काम लिया करते हैं। हजरत रूहुल अमीन ने इन्हीं की बात करते हुए फरमाया, बाज़ अमीर गरीबों से दोस्ती करना भी बहुत पसंद है और जिनके हजार ज्यादा हूं, बच्चे ज्यादा हूं और आमदनी कम हो, मख्फी तरीके से उनका तआमुन करना भी बहुत पसंद है। मख्फी तरीके से ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरू न हो, वो रात को सो जाएं मैं उनके घर में गल्ले की बोरियां डाल आऊं, सुबह ये भी पता ना चले कि कौन डाल गया था, क्योंकि कोई इज्जत नफ्स वाला कोई खुददार इंसान क्यों किसी से ले। क्या कहा इकबाल ने कि मुनहिम को गदा के डर से बख्शिश का न हो यारा, जजाक अल्लाह, मुनीम को गदा के डर से बख्शिश का न हो यारा, यह है मोमिन की खुददारी और उसकी इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि उसको कोई देना भी चाहे तो उसकी इज्जत नफ्स के डर से न दे सके कि कहीं ये ठुकरा न दे कि तू कौन है मुझको देने वाला, मैं तो अल्लाह से लेने वाला हूं, किसी बंदे से लेना मेरी इज्जत नफ्स की तौहीन है। कि मुनहिम को गदा के डर से बख्शिश का न हो यारा, उन लोगों का तामुन करना पसंद है। तीन चीजें रूहुल अमीन ने बयान की। अब सहाबा किराम भी रहमतुल्लिल आलमीन भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनने के लिए बेकरार थे कि हमारे रब को क्या पसंद है। हजरत रूहुल अमीन ने अर्ज किया, अपने बंदों की तरफ से तीन चीजें अल्लाह को भी बहुत पसंद हैं, बज़लुल इस्तिता व सब्र इंदल फाका वल बुकाउ इंदन नदामा। जब कोई जवान अपनी जवानी और अपना शबाब अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो वो भी अल्लाह का महबूब बन जाता है, उसे भी अल्लाह बहुत प्यार करते हैं।
غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک من چلا سا نوجوان آیا, ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشا تھا, تازہ کھجوروں کا خوشا تھا. عرض کیا اللہ کے محبوب, یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی اگر میں اسے قربان کر دوں, ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہٹ ملے گی. وہ نوجوان کہنے لگا اچھا اللہ کی مسکراہٹ ملے گی, خوشا پھینکا اور آستینیں چڑھا کر تلوار لے کر نعرے تکبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا, بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے. وہ جدھر جاتا تھا لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا اور پھر زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جاتے ہو؟ وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کہنے لگا کیوں روکتے ہو؟ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے, وہیں جانا چاہتا ہوں. اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی اس نے. یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے. بذل الاستطاعة حق تعالی جسے شباب عطا فرمائے, خون کی حرارتیں عطا فرمائے, یہ ہے تو چند روز کی مہمان. اور اگر کوئی جوان اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی پر خرچ کر ڈالے تو فرمایا وہ جوان بھی اللہ کو بہت پیارا لگے گا. اللہ کسی کو دولت عطا فرمائے, رہنا اس نے بھی نہیں, لیکن اگر اس دولت کو کوئی اللہ کی مرضی پہ خرچ کر دے تو اللہ اس سے بھی بہت پیار کرتے ہیں. بذل الاستطاع اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا والصبر عند الفاقہ, تنگ دستی میں صبر کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. رب العالمین جن لوگوں کو تنگ دستی اور عسرت کے انداز میں آزمائیں, اس آزمائش میں وہ ثابت قدم رہیں, اللہ کے سوا کسی کے آگے دامن نہ پھیلائیں, صبر سے کام لیں, تو فرمایا یہ صبر کرنے والے غریب بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. والبکاء عند الندامہ, اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والے گناہگار بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے, دو قطروں پہ قطرتان, دو قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے, ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ حرام ہے جہنم کی آگ اس پر بھی, اور دوسرا گناہگار کی آنکھ سے احساس ندامت میں بہنے والا آنسو حرام ہے اس پر بھی جہنم کی آگ. کبھی رو کے تو دکھائیے اللہ کے حضور, کبھی آنسو بہا کے تو دکھائیے. اللہ اللہ